नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। खबर आजमगढ़ से है। सरायमीर में रविवार को पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शव यात्रा निकालकर कांग्रेसजनों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रतीकात्मक शव यात्रा खरीवान मोड़ से नंदाव मोड़ तक निकाली गई। तहबरपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अंशुमाली राय, चंडी राय, मदन यादव, महेश चंद श्रीवास्तव इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदस्य आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, उस वक्त भी लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू में रखा गया था। अब जब कच्चे तेल की कीमतें ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना अपना टैक्स लगाकर आम लोगों को मुश्किल में डाल रही है। इसका हर हालत में विरोध किया जाना लाजमी है। आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर किसानों पर दुष्प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि एक और जहां पूरे देश का किसान 3 काले कानूनों का विरोध दिल्ली में दर्ज करा रहा है, वहीं कांग्रेसी भी किसान पंचायतें करके और पेट्रोल के बढ़े दाम को लेकर सड़क से संसद तक प्रदर्शन करने का काम करेगी। कांग्रेस के हाथ सदैव गरीब आदमी के साथ था और आने वाले दिनों में भी रहेगा। शव यात्रा में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष द्विवेदी, सरायमीर नगर के अध्यक्ष इस्तियाक अहमद, निशार अहमद, पेंडर न्याय पंचायत के अध्यक्ष कामता प्रसाद सहित जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव नदीम अहमद आदि शामिल रहे। प्राइम न्यूज 24 से रवि कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। परवेश भाई हमारे यहाँ के मुखिया हैं, पूरा अच्छा गांव देख रहे हैं। हम नगर देख रहे हैं, गांव देख रहे हैं। आज आप लोग जो सरकार से हमारी मांग है कि डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो तुरंत कम करें, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कम करें। और जो तीनों कानून किसान के विरुद्ध में बनाया गया है उसको वो रद्द करें। उसके इससे पहले कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं। आंदोलन पूरे देश में होगा, गांव में होगा, रद्द किया जाए भाई। अपना परिचय दीजिए सर। मैं निसार अहमद जी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज नगर अध्यक्ष सरायमीर इश्तियाक अहमद के नेतृत्व में यहाँ के कांग्रेस जनों ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मिर्ज़ापुर के लोगों ने ये तय किया कि खरीवा मोड़ से लेकर के शर्मा नहर तक सरकार के खिलाफ जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, हम उसके खिलाफ जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर वापस नहीं ले रहे हैं, हम अब रोड पे उतरेंगे, गांव गांव में उतरेंगे, सरकार को घेरेंगे, ताकि अब जब हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, 56 रुपया पे हमने पेट्रोल के दाम छोड़े थे। और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम बहुत कच्चे तेलों के दाम बढ़े हुए, लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आई, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, मोदी जी की सरकार आई, तो आलमी मंडी में तेलों के दाम कम हुए, लेकिन ये तेलों के दाम बढ़ाते रहे। किसान मजदूर गरीब की कमर टूट रही है। अगर तेल के दाम बढ़ेंगे, हर चीज पे, ट्रांसपोर्ट पे खर्च बढ़ेगा, आवागमन पे खर्च बढ़ेगा, नतीजा उसका यह होगा किसान बेरोजगार, नौजवान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। अब ये चीज जन आंदोलन का रूप धारण करना चाहिए, और जनता से, यहाँ के लोगों से हम लोग आज यही निवेदन कर रहे थे कि आप हमारे साथ शामिल हो, ये जनता शामिल हो, ये आंदोलन की जरूरत है। इस सरकार के खिलाफ आज 3 महीने से ऊपर हो गए, 90 दिन से ज्यादा हो गया। किसान इस ठंडक में वहाँ पड़ा हुआ था, किसानों के साथ अत्याचार जुल्म हो रहे हैं, उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। भाई हम किसान हैं, हम जान रहे हैं कि जो बिल आपने पास किया है वो हमारे काम की है, हमारे फायदे की है कि हमारे नुकसान की है। हमारे फायदा और नुकसान की जिम्मेदारी आपके सर कौन सी जा रही है।
ये तो हमारा, हम समझ रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आप दो लोगों को पूरा देश बेच रहे हैं, हम तो हमारे तो ये पूरे देश को बेचना चाह रहे हैं। हम अब कांग्रेस नहीं बैठेगी, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जनता को शामिल करेंगे। जय हिंद, खुदा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।